तो आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एमप्रो M3200E मॉडल, जो कि एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन क्वालिटी का एक एम्पलीफायर है, जिसकी कीमत कॉस्ट आपको 42,000 के प्लस ही मिलेगा। तो ये देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं इसके हैंडल, जो कि सिल्वर के लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छे कलर के। ये दूसरी साइड में भी इसके हैंडल लगा हुआ है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हैंडल इसमें मजबूती से बनाया गया है, ताकि उठाने में, लोडिंग अनलोडिंग में इसकी बहुत ही अच्छी हो। और यहाँ पे एक फ़ैन लगाया गया है बड़ा, इसमें जो फ़ैन है वो DC फ़ैन है, और दोनों तरफ ही एक एक फ़ैन लगाया गया है। ये देखिए अंदर की तरफ, और इधर से भी, और बाद में इसमें ब्रांडिंग की गई है। ये देखिए यहाँ पर एमप्रो का ब्रांडिंग किया गया है, और इसका मॉडल नंबर है 2 चैनल प्रोफेशनल एम्पलीफायर। उसके बाद में नीचे भी इसका ब्रांडिंग किया गया है, मॉडल नंबर M3200E। और उसके बाद में इसका पावर शॉकट, ये दूसरा विदाउट MCB वाला है, यहाँ से इसको ऑफ़ कर सकते हैं, और ऊपर ये ऑन होगा, और यहाँ से इसका जो सिग्नल है वो -0 से लेकर +32 dB तक इसका सिग्नल जो बूस्ट होगा यहाँ से। और सेम दूसरे चैनल में देखिए, DB और चैनल 2 और चैनल 1। और आप में इसमें नीचे इंडिकेटर आ गए, ये एक्टिव का, जब आप इसमें लाइट देंगे तो ये एक्टिव होगा, थोड़ी देर के बाद ही प्रोटो कट होगा, उसके बाद में कट लगा के ये चल जाएगा। और ये सिग्नल का आ गया, ये ग्रीन वाला, और ये जो येलो वाला है ये इसका क्लिप वाला, और ये इसका प्रोडक्ट वाला आ गया। इसके वीडियो मैं अलग से बनाऊँगा, वो शॉर्ट में भी डाल दूँगा, और इसका बहुत ही ज़रूरी काम है, वो आप बाद में से देख लेना, वहाँ से इसका बहुत ही अच्छा रोल होगा। और इसका जो डंपिंग इफ़ेक्ट है वो 800 के करीब है, और मैंने इसको फ्लाइट केस में बंद किया है। ये देखिए दोनों तरफ इसमें अच्छे हैंडल लगे हुए हैं, और नीचे इसमें फ्लाइट केस है, बहुत ही अच्छा चलता है। तो हम इस पर, ये 3200 वाट का है, तो हम इस पर 2000 की डबल 18 इंची बेसें चलाते हैं, बहुत ही अच्छी चलती है। थोड़ा सा पीछे का मैं लुक आपको इसको दिखा देता हूँ, चलिए पीछे की ओर देखते हैं इसका लुक, जो कि पीछे तरफ दिया गया है। ये देखिए इसके पीछे की तरफ में यही इसकी हीट सिंक लगाई गई है, ये वाली हीट सिंक, और ये दूसरी वाली हीट सिंक। और इसके बाद में ये इसका पावर, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की इसका पावर कोड दिया गया है। इसमें देखिए 3 वायर होता है, वाइट, ब्लैक और ग्रीन। ग्रीन का अर्थ रहता है इसको आप लगा सकते हैं, लेकिन इसको हमने कोई लगाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही होता है। और इसके बाद में यहाँ पे भी इसका ब्रांडिंग किया गया है, ये कैजुअली इसमें वार्निंग कोई दी गई है, और ये इसका सीरियल नंबर है। ये देखिए आप इसको वेबसाइट पर डाल के सीरियल नंबर से चेक कर सकते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ सीरियल नंबर, जैसे आपको पता चल जाएगा ये डुप्लीकेट है या फिर ओरिजिनल है, आप इसे एकदम से पता लगा सकते हैं। और ये देखिए अंदर भी इसके लाइट केस के अंदर ब्रांडिंग की गई है, जो कि बहुत ही अच्छी इसकी पहचान होती है। चलिए अब थोड़ा इसमें बेसिक बता देता हूँ। ये इसका आ गया चैनल 1, और जिसमें आप XLR और दूसरे दोनों मेल फीमेल लगा सकते हैं, ये दोनों को लिंक करने के लिए। और ये सेम पहले वाले को जैसे दिखाया चैनल 1, और ये दूसरा आ गया चैनल 2, यहाँ पे दोनों लिंक हो जाएंगे। और ये इसका क्रॉस ओवर है चैनल 1 का, जैसे इस पर करेंगे लो पे तो ये यहाँ पे सिर्फ लो की फ्रिक्वेंसी देगा, और यहाँ मिड पे करेंगे तो ओनली ये मिड पे चलेगा बीच में, और हाई पे करेंगे तो ओनली हाई की फ्रिक्वेंसी देगा, यानी कि हाई लो मिड जो यहाँ पे, यानी कि सीधे सिंपल भाषा में बताऊँ तो यहाँ पे इसको बेस चला सकते हैं, और यहाँ पे आप इस पर ट्विटर चला सकते हैं, यानी कि हाइस वगैरह चला सकते हैं, और बीच में रहेगा तब आप इसको मिक्सर पे जैसा क्रॉसओवर पे चला सकते हैं। और सेम इसका दूसरा आ गया, ये देखिए X क्रॉसओवर चैनल 2, लो हाई, और बीच में इसको मिड रखेंगे। और ये इसमें इनपुट पिन दी गई है, पिन 1 ग्राउंड, और 2 वाला जो इसका है वो वाला हॉट पे, और दूसरा इसका जो कोल्ड वाला वायर है यानी कि अर्थ का। और बैलेंसिंग के लिए इसको 10K वॉल्यूम पर चला सकते हैं, और दोनों को लिंक आपस में कर सकते हैं। और उसके बाद में इसका ये आ गया फंक्शन वाला, ये देखिए लिफ्ट, अर्थ और ग्राउंड, आपको आपके मर्जी के हिसाब से आप इसे रख सकते हैं। ये देखिए लेफ्ट, मैंने लेफ्ट पे किया हुआ है। और दूसरा आ गया ये वाला सेंसिटिव वाला बटन, ये इसकी मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के डालूँगा, जैसा कि आप इसमें जितनी पावर देंगे उसके हिसाब से ये चलेगा, तो उसका मैं अलग से वीडियो दूँगा। और ये इसका 4 ओम पे
और इधर करेंगे 4 ओम पे चलेगा, और इधर वाला करेंगे तो इसका जो 8 ओम पे चलेगा, और ये इसका मोनो पे आ गया, और ये इसका स्टीरियो वाला, इधर करेंगे स्टीरियो वाला, बीच में मोनो, इधर ब्राइट मोड, ब्राइट मोड पे आप कैसे चला सकते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और ये इसका आउटपुट का XLR लगा हुआ है, और यहाँ से हम इसको वायर भी लगा सकते हैं, तो इसमें माइनस का, इसमें प्लस का, और सेम चैनल जो दूसरा है वहीं पे इसका लगा सकते हैं। जैसे ये देखिए आउटपुट पे लिखा हुआ है माइनस प्लस, और ये इसको जो मैंने बताया ब्राइट मोड पे कैसे चला सकते हैं, तो जैसे ये 3200 वाट का सेट है तो आप इसको एक ही चैनल से अगर 3200 वाट आउटपुट लेना चाहते हैं तो इसको ब्रिज मोड पे करिएगा। और ब्रिज मोड पे करके तो यहाँ से ये देखिए ये वाला जो लाल वाला नीचे वाला है ये अर्थिंग का रहेगा, और ये जो वाला है ये आपका प्लस वाला रहेगा। तो इस पर आप एक ही मोड पे एक ही वॉल्यूम से 3200 वाट जो पूरी आउटपुट है वो एक चैनल से ले सकते हैं, दोनों कॉमन होकर साथ में चलेगा। और ये इसका रीसेट वाला बटन आ गया, ये देखिए ये इसका रीसेट वाला, इस पर भी मैं आपको अलग से वीडियो बना के डाल दूँगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। आपको वीडियो कैसा लगा, और जैसे आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहता हूँ, तो इसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। तो आगे से भी मैं आपको दूर से इसका लुक थोड़ा दिखा देता हूँ, पहले तो मैंने दिखा दिया था, ये देखिए बहुत ही अच्छा और प्यारा लुक है। तो प्राइस कॉस्ट मैंने आपको इसको बता दिया, हमारे यहाँ ये 42,000 का मिलता है, आपका यहाँ कितने का मिलेगा वो हमें बता सकते हैं फ्रेंड। थैंक यू वीडियो पूरा देखने के लिए।